देख रही है समाचार एक्सप्रेस डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल। नमस्कार, मैं हूं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। कोतवाली असाइन में शांति व्यवस्था को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कस्बा व क्षेत्र के ग्राम प्रधान व संभ्रांत लोगों को बताया कि सभी भाईचारा बनाए रखें, किसी भी प्रकार से कोई झगड़ा न करें, संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें, किसी भी प्रकार की धार्मिक या जातिवाद को लेकर वाद विवाद न करें। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आ रहे निर्णय को लेकर सोशल मीडिया पर फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट न करें और न ही किसी प्रकार का जश्न मनाएं और न ही मिठाई वितरित करें और न ही कोई रैली या किसी प्रकार का जुलूस निकालें। एडीएम विजय शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने वाले संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई दें तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जैसा भी होगा वो हम सब के लिए मान्य होगा, खासतौर पर सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। इस मौके पर एडीएम सिकंदर राव विजय शर्मा, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, एसआई तेजेंद्र प्रताप सिंह, हेमंत सिंह, सत्यपाल सिंह, विष्णु पाठक, मनोज गुप्ता, निहाल सिंह, राम कुमार वाषणे, फारूक अली, अशरफ अली, सुरेश कुशवाहा, कृष्ण कुमार वर्मा आदि क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मीटिंग की गई किस संबंध में की गई? शांति समिति की बैठक की गई थी और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला थी मंदिर का, उसके डिसीजन के क्रम में एक सामान्य बैठक थी। लोगों को सचेत किया कि किसी तरह के अफवाह फैलाने वाले या अराजकता उत्पन्न करने वाले लोगों से सामना और अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से बताए। सुप्रीम है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो सभी पक्षों को मान्य होता है, होना चाहिए। तो यही प्रयास किया जा रहा है कि असायन थाने और सिकंदरा राव थाने दोनों थानों में शांति बनी रहे और सभी लोगों को बुलाकर तरीके से सचेत किया जाए किसी प्रकार की। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ अपने आसपास की खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।